हेलो माई डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शिल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम आई टी जैम मैथमेटिक्स टू पेपर इट इज फ्रॉम रियल एनालिसिस एंड क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल एक्चुअली सच में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है लेट एफ फ्रॉम वन इन्फिनिटी टू जीरो इन्फिनिटी बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन सो दैट फॉर ईच एन एफ एन इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन देन वो कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं कि विच वन इज़ करेक्ट विच वन इज़ फॉल्स देखो है ये मल्टीपल वाला तो एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है नेक्स्ट थिंग अब दिया तो वैसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बट एफ एक्स की इज वर्किंग ऑन एफ एन तो आप लोग भी काम कर लीजिए आप लोग भी काम कर लीजिए अब जब इसने एफ एन दे ही दिया एफ एन तो बेटा इस हिसाब से आपका F1 होना चाहिए F2 होना चाहिए F3 होना चाहिए द थिंग इज़ यहाँ F1 नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो छोड़ दीजिए तो F2, F3, F4 पे काम करते हैं यहाँ पर हम आइए जरा तो, मोटे तौर पे। बेटा F2 कितना है F3 कितना है F4 कितना है इसी से काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा आपको हाँ जी एफ का मतलब एफ इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ टू वो तो टू ही रहेगा जी एफ थ्री स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ थ्री इज थ्री स्मॉलेट प्राइम फैक्टर ऑफ फोर इज अगेन टू एफ फाइव कितना आ जाएगा फाइव को डिवाइड करने वाला प्राइम फैक्टर तो फाइव ही है उसके बाद सिक्स के लिए टू एंड थ्री में से सेलेक्ट करना है सेवन के लिए सेवन रहेगा तो आपको दिख रहा है ये तो बढ़ता ही जा रहा है तो अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट लॉजिकली सीक्वेंस एफ एन को लिखना चाहे तो बेटा मैं टर्म बोल रहा हूँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बेटा एफ टू के लिए टू एफ थ्री के लिए थ्री एफ़ के लिए टू एफ फाइव फाइव एफ सिक्स टू एफ सेवन सेवन एफ एट टू एफ नाइन थ्री एफ टेन टू एफ एलेवन इलेवन एफ ट्वेल्व टू एफ थर्टीन थर्टीन एफ फोर्टीन टू एफ फिफ्टीन थ्री एफ सिक्सटीन टू एफ सेवनटीन सेवनटीन तो ये आपको इतना तो दिख ही गया कि बेटा प्राइम प्राइम्स के लिए प्राइम ही आएगा अगर आप और कुछ नहीं तो खाली इन प्राइम्स पर नजर अगर आप दौड़ाएंगे देखिए ये थ्री हो गया फाइव हो गया बेटा सेवन हो गया फिर एलेवन आ रहा है फिर थर्टीन आ रहा है फिर सेवेंटीन आ रहा है इसी तरीके से एफ ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन आएगा तो एफ एट प्राइम इज़ प्राइम एंड आप सबको बताए प्राइम का सीक्वेंस तो बाउंडेड नहीं होता प्राइम तो आते जाते हैं आते जाते हैं बड़े से बड़े नंबर से भी बड़ा प्राइम एग्जिस्ट करता है तो बेटा ये सीक्वेंस का तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट दिस इज अनबाउंडेड सीक्वेंस आपको साफ साफ दिख रहा है अनबाउंडेड सीक्वेंस बेटा अगर अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो तो लिमिट नहीं एग्जिट दिख रहा है लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा सो लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी एफ एन एफ एन बेटा डज नॉट एग्जिस्ट साफ साफ है अब आप बता दो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स वो कहाँ से एग्जिस्ट करेगा वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा देखिए लॉजिकली जो उन्होंने वैल्यूज दी थी उनको पुट करके हमारा ये आंसर आ रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो बेटा ये पार्ट तो गलत हो गया और ये वाला ट्रू है ठीक है अब सी पार्ट और डी पार्ट के लिए देखिए आपको सॉल्यूशन दिया जा सकता है बाकी आप लॉजिकली अगर ग्राफिकली देखेंगे इसको लॉजिकली एज वेल एज ग्राफिकली तो बहुत अच्छे से नजर आ जाएगा चलिए इसका एक बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास आठ दस वैल्यूज़ में ग्राफ पे बना के आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ ये याद रहे ये जो हमने कंक्लूड किया है ये सीक्वेंस को ओपन करके कंक्लूड किया अभी हमने इसका यूज़ तो किया ही नहीं कि फंक्शन कैसा है बेटा कॉन्टिन्यूस आओ ज़रा देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व एंडस वन चल रहा है पूरा वन तो रहने दीजिए बेटा टू के लिए आपको बताया था टू हर हर इवन नंबर पे टू ही आएगा टू विल अपेयर अगेन एंड अगेन वो तो दिख गया आपको अब थ्री के लिए जैसे आपने किया तो थ्री है फाइव के लिए फाइव है बट सेवन के लिए सेवन है नाइन पे फिर से थ्री आएगा इलेवन पे इलेवन आएगा मेरे बेटा बस इतने से आपको आइडिया लग जाएगा ट्वेल्व के बाद थर्टीन इधर आपका थर्टीन है थर्टीन पे और बड़ा थर्टीन आएगा हाँ जी फोर्टीन के लिए टू आएगा फिफ्टीन के लिए फिर थ्री आएगा ठीक है अब अगर अब अगर ये स्टूडेंट लॉजिकली ग्राफ बनाया जाए ये तो एफ़ वन एफ़ टू एफ थ्री दिख रहा है टू थ्री फोर पे तो बेटा फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस था यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फिर वापस आना है फिर ऊपर जाना है फिर वापस आना है फिर ऊपर जाना है फिर वापस आना है आई थिंक आप समझ गए मेरी बात वो चलता ही जा रहा है बेटा आप ये देखिए ज़रा यस एट थ्री एट फाइव एट सेवन एट अलेवन एट थर्टीन आगे जाके एट सेवेंटीन और बड़ा ग्राफ जाएगा बेटा एट ट्वेंटी थ्री और बड़ा हो जाएगा ट्वेंटी नाइन और बड़ा हो जाएगा तो आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए ना वो उससे भी बड़ा आपका आपके पास प्राइम आएगा एंड जैसे ही प्राइम आएगा ग्राफ बिल्कुल ऊपर चला जाएगा तो ये ग्राफ बेटा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे इंक्रीज़ होता हुआ अब आप बताओ ज़रा ये चीज़ एक चीज़ मेरे को यस बिकॉज ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है तो ये वैल्यू आपका टू था मेरा बेटा ये थ्री था हाँ जी ये वैल्यू आपको दिख रहा है फाइव था हाँ जी यहाँ कुछ भी लिखा जाए फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू टू ये वाई इक्वल टू टू की लाइन इस ग्राफ को इन्फे टाइम्स कट कर रही है

इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा इस ग्राफ के साथ क्लियर हो गया नंबर नहीं आएगा चलिए तो ये आपका आपका सी पार्ट है और आपका है। बहुत अच्छा था। uh, के साथ सीक्वेंस मिक्स करके दे दिया हमने किया भी सीक्वेंस का सारा तो बस इतना यूज किया कि नहीं ब्रेक नहीं होगा ग्राफ ब्रेक नहीं होगा अगर सॉल्यूशन ठीक लगा हो तो भाई कमेंट कर देना अच्छा अच्छा थैंक यू